नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष। आज इस वीडियो में आपको ओटी का एक छोटा सा टूल कराता हूँ। आप देख सकते हैं ये ओटी टेबल है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं मरीज का ऑपरेशन करने के लिए। इसे अलग अलग प्रकार से टिल्ट किया जा सकता है, हेड लो, फुट एंड लो, हेड अप, या फिर दोनों साइड टिल्ट किया जा सकता है। ये सर्जरी के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ओटी लाइट है जो हमें हेल्प करती है उस पार्ट को प्रॉपरली देखने में, वहाँ पर प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करती है, और ये एक मेडिकल ग्रेड की लाइट होती है तो इससे हमें सर्जरी करने में आसानी होती है। ये वेंटिलेटर है, बेसिकली एनेस्थेटिस्ट यहाँ पर खड़े होकर पेशेंट को पूरा बेहोश करते हैं और सर्जरी के दौरान हमें आसानी से पेशेंट पर ऑपरेट करने के लिए जो पेशेंट रिलैक्सेशन चाहिए, जो पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेशन हो या बॉडी का वो पार्ट को आसानी से ऑपरेट करने में मदद करता है। प्रॉपर जीए, इसमें पेशेंट पूरा बेहोश होता है। ये एक सीआम है, इसका इस्तेमाल यूरोलॉजिकल और स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में किया जाता है। ये लाइव एक्सरे की तरह होता है जिसे हम रियल टाइम एक्सरे कर सकते हैं और जो कि हड्डियों की सर्जरी में काम आता है। ये एक मॉड्यूल होता है, बेसिकली इसमें हम टाइम देख सकते हैं कि सर्जरी कितनी हो, मतलब सर्जरी स्टार्ट होने के बाद कितना समय हो चुका है, सर्जरी कितने देर से चल रही है, लाइट ऑन करना, ऑफ करना, या फिर जो ऑक्सीजन है या वैक्यूम है, इन सब का, नाइट्रस का सबका लेवल इसमें दर्शाया जाता है। या ओटी के बाहर कॉल करना है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो वो हमें हेल्प करता है। अब हम देख सकते हैं ये एक व्यू बॉक्स है, ये इसमें अगर हमने ऐसे लाइट जलाई तो ये लाइट जल जाती है। तो इसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई रिपोर्ट पेशेंट की अगर सर्जरी के दौरान देखनी है तो हम इसे लगा सकते हैं। ये छोटा सा एक टूल था ओटी का, और इसमें हम क्या क्या रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।